नमस्कार, रुआ लोग आज तक देख रहल बानी रुआ सभे के पसंदीदा भोजपुरी बुलेटिन एकदम चकाचक और तरोताजा अंदाज में हम लेके आयल बानी। राजनीति, क्रिकेट, चाहे कोनो अपराध और फिल्मी दुनिया के खबर हो, एकदम बढ़िया बढ़िया खबर बिना कोने मिर्च मसाला लगाए ले हम रुआ खातिर लेकर आयल बानी। ई खबर रुआ खाती है तो यह लगी खबर किसन लागल, ई सब बतावल जाए तुरंत कमेंट करी। मंगलवार के 18वीं लोकसभा के पहला अधिवेशन के दूसरा दिन रहे। लोकसभा अध्यक्ष के लेके सरकार अवरी विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गई बा। इंडिया ब्लॉक भी एनडीए के उम्मीदवार ओम बिड़ला के खिलाफ आपन उम्मीदवार खड़ा कैले बा। अध्यक्ष पद खातिर मतदान 26 जून के सवेरे 11 बजे हुई। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद खातिर एनडीए के नेता ओम बिरला 10 सेट में नामांकन दाखिल कैले। एह दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के दोसर नेता मौजूद रहले। एही बीच विपक्षी पक्ष से कांग्रेस सांसद के सुरेश लोकसभा अध्यक्ष पद खातिर 3 सेट में नामांकन दाखिल कैले। नामांकन से पहले राहुल गांधी कहले कि कांग्रेस अध्यक्ष के राजनाथ सिंह के फोन आयल बा कि स्पीकर के समर्थन मांगल गईल बा। विपक्ष साफ साफ कहले बा कि हम सभापति के समर्थन करब, लेकिन विपक्ष के उपसभापति के पद मिले के चाही। राजनाथ सिंह फिर से फोन करे के कहले रहले, हालांकि अभी तक फोन नहीं खे आयल। राजनाथ सिंह संसद के बाहरी मीडिया से कहले कि हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बेर फोन पर बात करके स्पीकर पद खाती उनुकर समर्थन मांगल बानी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अवरी डीएमके के टीआर बालू राजनाथ से मुलाकात कैले, लेकिन उपसभापति पर कवनो जवाब न मिलला के बाद वो अपना कार्यालय से लवट गईली। नीट पेपर लीक के मामला में केंद्रीय जांच ब्यूरो के टीम पटना के आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंचल। बतावल जात बा कि सीबीआई पेपर लीक से जुड़ल सगरी दस्तावेज आ सबूत लेत बिया। सीबीआई के सोजा ईओयू पूरा मामला के जांच करत रहे। ए मामला में ईओयू के टीम बिहार झारखंड से 18 लोग के गिरफ्तार कर बहुत लोग से पूछताछ कैले बिया। एही बीच न्यूज चैनल आज तक स्टिंग ऑपरेशन कैले बा, जवना में नीट पेपर लीक के लेके बहुत खुलासा भइल बा। पेपर लीक के मामला में संजीव मुखिया के करीबी सहायक सरकारी सिंडिकेशन के पर्दाफाश कैले। उ बतवले कि संजीव मुखिया अभी तक फरार बाड़े। उ दावा कैले कि उनुका के पकड़ल नहीं खे जा सकत। जब उनुका से पूछल गईल कि का उ पहले जेल गईल बानी, तो उनुकर साथी छिपल कैमरा पर बतवले कि संजीव मुखिया पछिला कुछ साल में बहुत कमाई कैले बाड़े। एगो स्थानीय पुलिसकर्मी बतवले कि संजीव मुखिया अवरी उनुकर बेटा दोनों पेपर लीक के कारोबार करत आयल बाड़े। उ बतवले कि बाप बेटा पहले बिहार स्तर पर पेपर लीक करत रहले, अब पूरा भारत स्तर पर ही काम करे शुरू कर देले बाड़े। बीपीएससी के पेपर पहला बेर लीक भइल रहे, हमहू एकरा में शामिल रहनी। सीएम अरविंद केजरीवाल के जमानत मामला में दिल्ली हाईकोर्ट एगो बड़ फैसला दे दिहलस। केजरीवाल के कोर्ट से राहत नहीं खे मिलल। केजरीवाल के जमानत के कोर्ट खारिज कर देले बिया। फिलहाल केजरीवाल जेल में रही है। एकरा से पहले निचला अदालत दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ल मनी लॉन्ड्रिंग के मामला में केजरीवाल के जमानत दे देले रहे, लेकिन बाद में ईडी के अपील पर हाईकोर्ट उनका जमानत पर रोक लगा देले रहे। एकरा बाद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कैले, लेकिन वहां से भी केजरीवाल के तुरंत राहत न मिलल। हाईकोर्ट के फैसला के बाद सुप्रीम कोर्ट 26 जून के ए मामला के सुनवाई करी। बता दी कि राउज एवेन्यू कोर्ट 20 जून के केजरीवाल के जमानत दे दिहले रहुवे जवना का बाद ईडी 21 जून के हाईकोर्ट में याचिका दायर कैले रहुवे। मंगलवार से बिहार के करीब 78,000 सरकारी स्कूल में नया सिस्टम लागू हो गईल बा। अब यहां पढ़ावे वाला करीब 5,00,000 शिक्षक अवरी प्रधानाध्यापक ई शिक्षा कोश मोबाइल ऐप के माध्यम से आपन हाजिरी दर्ज करी है। यह ऐप के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किल जा सकेला। शिक्षक लोग के स्कूल आवे जाए के समय यानी दिन में दुबेर ए ऐप पी आपन हाजिरी के निशान लगावे के होए। एकरा संगे शिक्षा विभाग के शिक्षक के हाजिरी के बारे में तुरंत जानकारी मिल सकता। शिक्षा विभाग ए संबंध में सब जिला अवरी प्रखंड के निर्देश जारी कैले बा। शिक्षकन के ई शिक्षा कोश ऐप के इस्तेमाल वीडियो कॉल आ दूसरा माध्यम से करे के प्रशिक्षण दिहल जा रहल बा, जैसे कि ओह लोग के कवनो समस्या के सामना ना करे के पड़े। जानकारी के मुताबिक पहला कुछ दिन तक शिक्षक ऐप के संगे रजिस्टर पे आपन हाजिरी के निशान लगाए है। ऐसे कवनो शिक्षक के हाजिरी ना कटत भले तकनीकी समस्या होके, लेकिन कुछ दिन बाद हाजिरी सिर्फ ऐप के माध्यम से मान्य हो जाए। बिहार में मानसून 6 दिन देरी से पहुंचल बा। बाकी राज्य के कई हिस्सा में अभी ले मानसून सक्रिय नहीं खे भेल। मौसम विभाग के मुताबिक अगला 3-4 दिन में पूरा राज्य में मानसून सक्रिय होखे के संभावना बा।
25 जून से 28 जून तक 12 जिला में भईल भारी बरखा के लेके ऑरेंज अलर्ट जारी कईल गईल बा। एकरा संगे संगे 12 जिला में तेज तूफान के संगे संगे बरखा के लेके येलो अलर्ट जारी कईल गईल बा, जबकि 10 जिला में गर्मी के लहर के लेके येलो अलर्ट जारी कईल गईल बा। 4 जिला खातिर मौसम विभाग के ओर से कवनो अलर्ट जारी ना भईल। मौसम विभाग के मुताबिक पछिला 24 घंटा में अररिया के फोर्ब्सगंज में अधिकतम 56.4 मिलीमीटर बरखा भईल बा, किशनगंज में 46 मिलीमीटर, पूर्वी चंपारण में 40.2, सुपौल के बियरपुर में 33.6, किशनगंज के तैबपुर में 30.4, वैशाली में 18.4, अररिया में 16, आ पटना के बरह में 2.8 मिलीमीटर बरखा भईल बा। बिहार में ए साल 1 जून से 23 जून तक के दौरान सामान्य से 62% कम बरखा भईल। मौसम विभाग के मुताबिक ए दौरान 109 मिलीमीटर बरखा के जगह 41.6 मिलीमीटर बरखा दर्ज भईल। सुपौल, पूर्वी चंपारण, वैशाली, पटना, भागलपुर, अवरी, कैमूर में सामान्य से 60% कम बरखा भईल, जबकि अररिया आ किशनगंज में सामान्य बरखा भईल, जबकि बाकी जिला में अभी तक बरखा नहीं खे भईल। त लोग के भोजपुरी भाषा में आज तक के ई बुलेटिन कैसन लागल जरूर बताई, काहे कि हमनी खबर रुआ खातिर लेके आयल बानी जा। आ रुआ लोग के दिहल सुझाव हमनी खातिर बहुत जरूरी बा, आपन खूब ध्यान रखल जाए। कल फिर रुआ खाती खबर लेके